पूरा मामला जनपद कानपुर देहात थाना सट्टी क्षेत्र के ग्राम मुलुक की मड़ैया का है, जहां की रहने वाली गुड्डी देवी पत्नी राजकुमार के साथ बिझौना गांव निवासी लव सिंह ने पुरानी रंजिश के चलते रात्रि परिवार संग मिलकर पीड़ित महिला व उसके पति के साथ लाठी डंडे पत्थर से मारपीट कर घायल कर दिया। महिला द्वारा पुलिस से शिकायत करते हुए बताया गया कि विगत कुछ वर्षों पहले लव सिंह के बेटे द्वारा हमारी बेटी के साथ बलात्कार के मामले को लेकर एक मामला कोर्ट में चल रहा है तथा लव सिंह का बेटा रेप के मामले में जेल में बंद है, जिसके चलते यह लोग रंजिश मानते चलते आ रहे हैं तथा आए दिन गाली गलौज जाने से मारने की धमकी भी देते रहते हैं। इसी बात को लेकर इन लोगों ने रात्रि मेरे घर आकर गाली गलौज देते हुए लाठी डंडे पत्थरों से हमला करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिससे मैं और मेरे पति घायल हो गए, जिसकी शिकायत थाने में करते हुए मेरे द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई है। पुलिस ने महिला द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। नाम है आपका? गुड्डी। कहाँ रहने वाली हैं? मुलुक मड़ैया। अच्छा, कहाँ पे आई हैं आप? सट्टी थाना। किस बात को लेकर आई हैं? इस बात के पहले कि हमारी लड़की के साथ में छेड़छाड़ का वो रेप का मुकदमा चल रहा है उसके लड़के के ऊपर, जेल में तो उसी बवाल में दारू पी का गाड़ी देता है हमारे घर पे। कौन? ठाकुर है, लव सिंह बिझौना का रहने वाला। तो आपके साथ क्या घटना हुई है? वो मारपीट करने आया है, जान से मारने की धमकी देता है कि अगर गवाही देने जाओगी लड़की की तो हम जान से मार देंगे। कई लोगों ने मारपीट किया आपके साथ में? चार लोगों ने। नाम क्या उनके? नाम लव सिंह है, दुकरिया का नाम नहीं जानते हैं, सीमा है और उसकी लड़की है प्रिया। इन चारों लोगों ने रात के आपके साथ मारपीट की है? हाँ, डेढ़ बजे रात। तो आपके चोटें वगैरह आई हैं क्या? हाँ, आँखों में चोटें आई हैं, पैरों में चोट आई है। तो आपके द्वारा थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया है? हाँ, दे दिया है, मुकदमा लिखा जाएगा। नहीं तो प्रार्थना पत्र आपको आपने दे दिया है तो मुकदमा लिखा जा रहा है या क्या है? पूरा लिखा जा रहा है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संवाददाता जंग बहादुर सिंह की रिपोर्ट।